तो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के कुछ एग्जांपल्स। सबसे पहले पॉइंट चार्ज की बात करेंगे। अब हम जानते हैं कि पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल होता है 1/4πε0qr होता है बेटा। तो अगर पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे, क्योंकि q ये सब तो फिक्स है, r बदल सकता है, तो अगर मैं r की वैल्यू फिक्स कर दूं, इक्वल डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट होंगे उन पर पोटेंशियल सेम होगा। तो थ्री डायमेंशनल में अगर मैं बात करूं तो एक स्फीयर, अगर पॉइंट चार्ज को सेंटर मानते हुए r रेडियस का एक स्फीयर बना दे, तो इस स्फीयर के सभी पॉइंट की डिस्टेंस पॉइंट चार्ज से सेम होगी। हर पॉइंट पे डिस्टेंस जो होगी वो r होगी, तो सभी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये स्फीयर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। सिमिलरली अगर टू डायमेंशनल प्लेन में बात करेंगे तो एक सर्कल मिलेगा हमको, एक सर्कल मिलेगा, आर रेडियस का सर्कल मिलेगा इस पेपर के प्लेन में, जिसपे पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम होगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से सिंपल कह सकते हैं कि जो पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं, अगर ये पॉइंट चार्ज है तो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं इस तरह से, ठीक है। कई सारे स्फीयर आप बना सकते हो, ये पोटेंशियल V1 है, इस पूरे पे V2 है, इस पूरे पे V3। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैं बता चुका हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो स्फेरिकली रेडियल फील्ड होती है पॉइंट चार्ज की, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होती है। तो आप स्फेरिकली रेडियल फील्ड लाइन्स हैं ये, और ये आप देख सकते हो कि स्फीयर को हर जगह 90 डिग्री पे कट करेंगे, और कट करनी भी चाहिए बेटा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव हाई से लो होती है, तो वैसे भी आर की वैल्यू छोटी होगी तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो V1 की वैल्यू V2 से ज़्यादा है, V2 की वैल्यू V3 से ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह का स्फेरिकल फील्ड में, जब जितनी भी स्फेरिकली रेडियल फील्ड होगी, चाहे पॉइंट चार्ज हो, या हम आगे बच्चों पढ़ेंगे गॉस लॉ में, स्फीयर हो, हॉलो स्फीयर हो, सॉलिड स्फीयर हो, जब भी स्फेरिकली रेडियल फील्ड होगी तो उसके जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे वो स्फेरिकल सरफेस ही होते हैं हमेशा, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि r रेडियस का अगर पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इट इज़ के क्यू बाई आर। अगर मैं इस के क्यू को कॉन्स्टेंट मान लूँ तो इक्विपोटेंशियल सरफेस को मैं लिख सकता हूँ c बाई आर, ठीक है। c एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है फॉर ए गिवन पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो कभी कभी बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल बनते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आगे हम इस पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब सेकेंड, अगर इसी में नेगेटिव चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, तो इसके भी कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल ही होंगे, ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये V1, ये V2, ये V3, लेकिन जो फील्ड लाइंस होंगी वो अंदर की तरफ आएंगी टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, इस तरह से फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आएंगी, तो ये भी स्फेरिकल सरफेस होते हैं, स्फेरिकल। बट नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, माइनस है, तो यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव, मोर नेगेटिव, लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव, तो मोर नेगेटिव मतलब छोटा, तो फील्ड वैसे भी इधर है, हाई से लो है, तो इस केस में V1 लो होगा, V2 और हाई होगा, V3 और हाई होगा, तो ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसमें इसका पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, नेगेटिव पॉइंट चार्ज। तो ये नेगेटिव पॉइंट चार्ज, ये आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज हैं, कि सिंगल पॉइंट चार्ज है, सराउंडिंग में कोई दूसरा चार्ज नहीं है, तो उसके जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वो किस तरह के होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं। सेकेंड केस अगर हम देखें तो लाइन चार्ज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, अगर इनफाइनाइट लेंथ की लाइन चार्ज होती है, अगर पॉजिटिव है मान लेते हैं ये इनफाइनाइट लेंथ की लाइन चार्ज, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इट इज़ 2k lambda by r या lambda upon 2π, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है। अभी पोटेंशियल का हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, वैसे हम निकाल सकते हैं बट आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि इसकी जो फील्ड होती है वो सिलेंड्रिकली रेडियल फील्ड होती है ना। मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर भी होती है, इधर इस तरफ होगी, इधर इस तरफ होगी, तो ये सारी की सारी फील्ड चारों तरफ अगर आप देखोगे इनको, अगर आप कोई सिलेंडर बनाओगे
कोई भी सिलेंड्रिकल सरफेस, तो ये जितनी भी फील्ड लाइंस आपने बनाई हैं, ये अगर यहाँ पे अगर देखोगे ऊपर से टॉप व्यू में देखोगे, तो यहाँ पे ये ऐसे 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 ये सिलेंड्रिकली रेडियल फील्ड होंगी, सिलेंडर को 90 डिग्री पे कट करेंगे, ठीक है ना। तो आप जानते हो कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा सरफेस होता है जो हर जगह फील्ड लाइंस को 90 डिग्री पे कट करता है। तो ये एक इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर होगा, ये मैंने एक सेक्शन बनाया है। तो एवरी सिलेंडर ऑफ रेडियस आर विल बी एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ पर जो लाइन चार्ज की इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे वो सिलेंड्रिकल सरफेस होंगे, ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पर हर जगह पे जो फील्ड होगी वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। ध्यान रहे ये जो क्लोज, ये स्क्वायर वाला रीजन है, ये कोई क्लोज रीजन नहीं, ये लेंथ इनफाइनाइट तक एक्सटेंड होगी, है ना। तो लाइन चार्ज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, इसके सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं, सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं। तो आप और बड़ा सिलेंडर बना सकते हो, जैसे ये अगर लाइन चार्ज है तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, इसके बाद एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस, कोई भी सिलेंडर बना दोगे, ये इसकी ये जो कर्व सरफेस होगी, ये चारों तरफ वाली सरफेस, ये वाली सरफेस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। तो ये वी वन होगा, ये वी टू होगा। अगर ये पॉजिटिव लाइन चार्ज है तो फील्ड यहाँ अवे फ्रॉम द लाइन चार्ज होगी, मतलब फील्ड हाई से लो होती है, V1 V2 से बड़ा होगा। अगर नेगेटिव लाइन चार्ज होगा तो V1 V2 से छोटा होगा। तो लाइन चार्ज का बच्चों जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वो सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस की अगर हम बात करें, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस, या आप कहें इक्विपोटेंशियल सरफेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्विपोटेंशियल सरफेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम फील्ड लाइंस बनाएं, तो आप सभी जानते हैं कि जो फील्ड लाइंस बनती हैं वो इक्वली स्पेसिंग पैरेलल लाइंस बनती हैं, ये पैरेलल लाइंस बनती है ना, ये पूरा ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, है ना, पूरा थ्री डायमेंशन में होंगी, बट होंगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यू इक्वली स्पेसिंग पैरेलल लाइंस बनती है, ठीक है। तो ये इस तरह की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप सब लोग जानते हैं इस बात को कि दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस फील्ड लाइंस के हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर मैं एक सरफेस बनाऊंगा, तो ये मैं डॉट डॉट या ये मैं बना देता हूँ, ये एक प्लेन बनेगा, ये प्लेन होगा जो इस पेपर के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा आपका। तो दिस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस हैविंग पोटेंशियल V1, ऐसे यहाँ पर भी एक पोटेंशियल V2, यहाँ पर ये V3, यहाँ पर ये V4। तो ये जो तुम V1, V2, V3 देख रहे हो, ये आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। फील्ड की डायरेक्शन हाई से लो होती है, तो V1 बड़ा है V2 से, V2 बड़ा है V3 से, V3 बड़ा है V4 से, ठीक है ना। तो जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो उनमें जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वो प्लेन सरफेस होते हैं, ठीक है। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है बेटा, बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं एक खास बात बताने जा रहा हूँ। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर अगर देखा जाए, 90 डिग्री में हमेशा फील्ड होती है, तो अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने पढ़ाया था V2 - V1, फील्ड की डायरेक्शन में अगर हम ले, फील्ड की डायरेक्शन से क्यूड एंगल पर ले रहे, तो -ED cos θ पढ़ाया था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ाया था बच्चों, ठीक है, ये पढ़ाया था। तो ये डेल्टा V है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, इट इज माइनस, फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये आप कह सकते हो कि -E × D। अगर बेटा हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर चल रहे हैं, तो फील्ड की डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और जो फील्ड वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, उस सिचुएशन में cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी,
ये होगी माइनस का डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डी, ठीक है ना, या वी टू माइनस वी वन का माइनस है तो ई कह सकते हो वी वन माइनस वी टू डिवाइड बाय डी। यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं डायरेक्टली लिखूं तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का गैप, दो प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का गैप, सॉरी बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय गैप डी। डी ध्यान रखें इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, बिटवीन कंसेक्यूटिव इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है ना। दो प्लेन सरफेस के बीच में अगर कंसेक्यूटिव प्लेन सरफेस के बीच में जो गैप होगा वो लेना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है। और डायरेक्शन तो आप जानते हो कि हाई से लो होता है, तो अक्सर इस पे एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। एससी वर्मा में एक क्वेश्चन दिया है, आप चाहें तो उसको ट्राई कर सकते हैं। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन में बच्चों एक यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको। चलिए एक एग्जांपल बच्चों मैं यहाँ पे लेने जा रहा हूँ। तो ये मान लेते हैं एक प्लेन में एक डायग्राम दिया है और ये इस तरह के हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ दे रखे हैं। ठीक है ना, तो ये बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें कुछ दे रखे हैं। सपोज ये बेटा 100 वोल्ट दे रखा है, ये 90 वोल्ट दे रखा है, ये 80 वोल्ट दे रखा है, 70 वोल्ट, और ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये इक्विपोटेंशियल लाइंस दे रखी हैं। इन्हें एक्स जेड एक्सिस में एक्सटेंड कर दोगे तो प्लेन हो जाएंगे। फिलहाल ये 60 वोल्ट है। अब मान लो हमको ये एक्स है ये वाई, हमसे कहा गया आप फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बताना, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें बच्चों बतानी है। तो सबसे पहले तो अगर आप देखो कि ये इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं हमको, 2,0 इट इज़, 4,0 इट इज़, 6,0 इट इज़, 8,0 इट इज़, 10,0। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आप जानते हो कि परपेंडिकुलर होती है, ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेस इनके परपेंडिकुलर होगी और हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होगी। तो कहीं पर भी बनाओ तो फील्ड इस तरह की होगी, इस तरह की फील्ड होगी बेटा, इस तरह की फील्ड होगी कहीं पर भी। हाई ये है, लो ये है, हाई से लो डायरेक्शन ये होगी और ये 90 डिग्री एंगल बनाएगी। ये एंगल आपको दिया जाएगा, ये एंगल आपको सपोज दिया है 60 डिग्री, ये क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो अगर ये 60 है, ये 90 है, तो ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होंगे वो जो कहीं पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा वो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बनाएगा। बस हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, फिर इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ये ई कॉस 30 होगा और ये ई साइन 30 होगा, ये आई कैप ये जे कैप, ठीक है ना। तो अब मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, ये वाली डिस्टेंस आप देख रहे हैं बच्चों, ये वाली डिस्टेंस जो है ये आपकी 2 दे गई है, 2 यूनिट, 2 मीटर मान लेते हैं एसआई यूनिट में। बट हमें जो डिस्टेंस लेनी है, हम जब ई की वैल्यू लगाएंगे, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डी, ये डी हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी होती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच का 100 और 90 का कोई भी दो ले लीजिए, 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आएगा और ये एंगल 90 डिग्री है या हाइपोटेनस हो जाएगा, तो ये बेस हो जाएगा, तो इट इज़ 2 cos 30। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 2 मत लेना, कुछ बच्चे जल्दबाजी में 2 ले लेते हैं, तो इट इज़ √3/2, तो 10 / √3, ये मैग्नीट्यूड आएगा न्यूटन पर कूलम एसआई यूनिट में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रही है, तो अगर वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा आपका ई कॉस 30 आई कैप, तो ई की वैल्यू है 10 √3 cos 30 आई कैप प्लस 10 / √3 साइन 30 जे कैप। इस तरह से बच्चों आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन इस सिचुएशन में निकाल पा रहे हो। तो एस सी वर्मा सर ने इसमें एक अपनी बुक में एग्जांपल दे रखा है, और भी बुक्स में आपको ऐसे एग्जांपल मिल जाएंगे, तो इस तरह के प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक प्रॉब्लम बच्चों हम और डिस्कस करते हैं। कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम दिया जाता है आपको, कुछ स्फेरिकल सरफेस दिए जाएंगे, ठीक है ना, जैसे इसकी सबसे छोटे वाले की रेडियस जो है वो 10 cm है,
उससे बड़े वाले की रेडियस जो है वो 20 सेंटीमीटर है और सबसे बड़े वाले की रेडियस जो है वो 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका पोटेंशियल V1 है, इसका V2, इसका V3 है। तो जो V1 का पोटेंशियल दिया है वो गिवन है आपको, सपोज कुछ दे देते हैं तो बेटा कुछ इस तरह का प्रॉब्लम दिया जाएगा, एक तीन कॉन्सेंट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको गिवन है और सबसे अंदर वाले का पोटेंशियल 6 वोल्ट है, उसके बाद वाले का 3 वोल्ट है और सबसे बाहर वाले का 2 वोल्ट है, ठीक है ना। सबसे अंदर वाले की रेडियस 10 सेंटीमीटर, फिर इसकी 20 सेंटीमीटर, इसकी 30 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ आर, मतलब इस सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर जनरल तरीका, या तो कुछ क्वेश्चंस में तो देख के ही पता चल जाता है, जैसे अगर आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो तो 10 सेंटीमीटर पे रेडियस पोटेंशियल 6 वोल्ट है, रेडियस डबल हो रही, पोटेंशियल आधा हो जा रहा है, तो यानी रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पोटेंशियल जो है वो इट इज़ सम कॉन्स्टेंट सी, भाई कॉन्स्टेंट होगा कुछ के क्यू कुछ मिला के कॉन्स्टेंट बनता है, और डिवाइड बाई आर, तो सी बाई आर कह सकते हो आप, ये रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर गेस नहीं कर पा रहे हो, अगर पता नहीं चल पा रहा है, तो बेटा जनरल मान लो, ऐसा मान लो कि पोटेंशियल जो है वो सम कॉन्स्टेंट सी रेडियस की पावर एन के प्रोपोर्शनल है, ये आप मान लेते हैं ऐसे सवालों में। अगर कभी कोई गेस नहीं कर पा रहे हो कि रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप हमेशा ऐसा एज्यूम कर लो, सी आपका अननोन है, एन अननोन है, ठीक है, सी कांस्टेंट है। जैसे पॉइंट चार्ज का अगर आप पोटेंशियल लिखते हो, तो पोटेंशियल के क्यू बाई आर, डिस्टेंस पे जनरली डिपेंड करता है, स्फेरिकल फील्ड जो होती है और के होता है, चार्ज होता है, ये सब मिला के एक कांस्टेंट बन जाता है ना। अब ये के क्यू बाई आर स्क्वायर भी हो सकता है, आर क्यूब भी हो सकता है, आगे हम पढ़ेंगे स्फेरिकल फील्ड में वेरिएबल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पावर कुछ भी हो सकती है। पॉइंट चार्ज में तो ये पावर माइनस वन होगी, बट अदर तरह की फील्ड में कुछ और भी हो सकती है। तो अगर तुम देख के क्लिक नहीं किया कि रेडियस डबल करने पे पोटेंशियल वन हाफ हो जा रहा है, रेडियस ट्रिपल करने से पोटेंशियल वन थर्ड हो जा रहा है, तो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तो फिर तुम जनरल ये मान लो और सी और एन की वैल्यू निकालनी, सेटिस्फाई कराते जाओ। तो सबसे पहले आर की वैल्यू अगर 10 सेंटीमीटर रखेंगे 0.1 मीटर और वी वन की वैल्यू कितनी 6 वोल्ट, तो 6 इक्वल टू सी और ये है 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 की पावर n, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर अगर हम दूसरे में देखें तो c 0.2 की पावर n है ना, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे यहाँ से, तो दोनों को डिवाइड करेंगे 6/3 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1/2 की पावर n। तो 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर माइनस n, तो n की वैल्यू माइनस वन आ जाएगी, n माइनस वन आ गया यहाँ पे, n को माइनस वन रख के तुम c निकाल सकते हो 0.1 की पावर माइनस वन, तो 6 इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई 0.1, सो सी की वैल्यू आ रही है इट इज 0.6 आ रही। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल का फंक्शन आ गया हमारे लिए, सी और एन हमारा निकल आया, सी है 0.6 और आर की पावर माइनस वन यानी अपॉन आर, ये हमारा फंक्शन निकल आया। लेकिन हमने सिर्फ दो डेटा यूज़ किया, आप चाहो तो वैलिडिटी ऑफ डेटा समझ सकते हो, 30 सेंटीमीटर पे चेक कर लो, जब 30 सेंटीमीटर चेक करोगे तो यहाँ पे 0.3 डालोगे, तो एट आर बराबर 0.3 मीटर तुम देखोगे कि जो पोटेंशियल आएगा वो 2 वोल्ट आएगा, जिससे ये वेरीफाई हो जाएगा कि जो थर्ड डेटा दिया है वो भी ओके है। तो इस तरह से आप पोटेंशियल का फंक्शन मान सकते हो, ठीक है। वैसे बहुत सारे बच्चे पहले से n की वैल्यू माइनस वन देख लेंगे, जैसे उन्हें पता चलेगा कि रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब पोटेंशियल जैसे बेटा आ गया, तो E की वैल्यू क्या है, माइनस डी वी बाई डी आर होता है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं रेडियली देख रहा हूँ तो फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो फील्ड की डायरेक्शन में इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, या सिंगल वेरिएबल फंक्शन है तो E माइनस डी वी बाई डी आर लिखेंगे, बट अगर हमें थ्री डायमेंशनली एक्स वाई जेड में एक्सप्रेस करना है तो माइनस डी वी बाई डी डेल वाई डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप डेल वी बाई डेल वाई जे कैप ये सब लिखेंगे। तो इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर अप्लाई कर देते हैं, तो माइनस 0.6 आर की पावर माइनस वन का डिफरेंशिएशन माइनस माइनस प्लस आ जाएगा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये बच्चों हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन हो जाएगा। तो इस तरह के न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप एग्जांपल्स, दोनों एग्जांपल बेहद इंपॉर्टेंट हैं, स्फेरिकल फील्ड के इक्विपोटेंशियल सरफेस से लेके क्वेश्चन बनता है और ये यूनिफॉर्म फील्ड को लेके बनता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, दो पॉइंट चार्ज के इक्विपोटेंशियल सरफेस किस तरह के होते हैं,
उस पर भी हम थोड़ी भी चर्चा करेंगे।